अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियो लाई हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इसकी मत करना। तो यहाँ पर मैं परी के जो बालों में है ऑयल लगाऊंगी, और मेरे पास ऑयल है अक्षर हर्बल दूधी लौकी हेयर ऑयल। आपके पास जो भी ऑयल है, कोकोनट ऑयल या फिर कस्टर्ड ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं आप वही लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ऑयल लिया है, तो मैंने इस ऑयल को हल्का सा गर्म करके, ठंडा करके इस बोतल में भर लिया है। और ये जो बोतल है मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। अच्छा, इस ऑयल की जो बोतल है ये, इसका फ़ायदा ये है कि इस पर ना ये कंघा बना होता है जिससे आपकी स्कैल्प में अच्छे से जो है ऑयल लग जाता है। तो मैं यहाँ पर परी के बालों में मैंने अच्छे से कंघा करके सुलझा लिया है। बालों को हमेशा ऑयल लगाने से पहले कंघा कर लेना चाहिए, उससे जो है आपके बाल उलझते नहीं, और उलझते नहीं तो फिर टूटते भी नहीं। तो देखिए, मैं छोटे छोटे पार्टीशन करके बालों में इस तरह से ऑयल डाल लूँगी और पूरे सर पे इसी तरह से ऑयल लगा लूँगी। तो देखिए, बालों में ऑयल हमेशा नहाने से आधा एक घंटे पहले ही लगाना चाहिए। कभी भी रात को सोते टाइम बालों में ऑयल लगा कर नहीं छोड़ना चाहिए, या 8-10 घंटे के लिए ऑयल कभी भी बालों में लगा कर नहीं छोड़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे आपकी जड़ें जो हैं ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लड का सप्लाई जो है बंद हो जाता है। उस वजह से आपके बालों में ख़ारिश होने लगती है, डैंड्रफ होने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है, तो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है आपके बालों में। तो सबसे बेस्ट जो टाइम है वो यही है कि आप नहाने से एक घंटा पहले ही ऑयलिंग करें। ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में 1-2 बार आप ऑयलिंग ज़रूर करें। इससे बालों की ग्रोथ बढ़ती है, बालों का सफ़ेद होना बंद हो जाता है, और जितनी भी प्रॉब्लम है आपके बालों की, डैंड्रफ या फिर दो मुँहें, जितनी भी प्रॉब्लम है ना, वो सब दूर हो जाती है। तो देखिए, मसाज करने के लिए मैं अपनी उंगलियों के पोरों का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, जो हाथों की उंगलियों की जो पोरे होती हैं, उनसे ऊपर से लेके नीचे तक आपको मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में। तो देखिए, इस तरह से जो उंगली की पोरे होती है ना, इनसे ही मसाज करनी होती है। और कभी भी हथेली से अपनी स्कैल्प को, अपने बालों को ना रगड़े, उससे नुकसान होता है बालों को और स्कैल्प को, उससे आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता और बालों के टूटने का ज़्यादा डर रहता है। तो सर्कुलर मोशन में इस तरह से आपको बालों की जो मसाज करनी है, इस तरह करने से आपके बालों को पूरा पोषण मिलेगा, और आपकी स्कैल्प में जो ऑयल से नरिशमेंट मिलेगा वो पूरी तरह से मिलेगा। अच्छा, बालों में कभी भी ऑयल ऊपर ही ना लगाएं, बल्कि बालों के सिरे तक ऑयल लगाएं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर परी के बालों में पूरी तरह से ऊपर से लेकर सिरे तक जो है ऑयल लगाया। इससे क्या होगा कि जो दो मुँह बाल होते हैं ना, वो नहीं हो पाते, और आपके बालों की चमक जो है ना वो बनी रहती है, और जो रफनेस होती है बालों की वो भी दूर हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से ऑयल लगा लिया। अब मैं करूँगी इसको कंघा। तो कंघा करने के लिए मैं ये चौड़े दांत वाला कंघा ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है, इसके जो चौड़े दांत होते हैं उससे जो बाल है ना उलझते नहीं, और बहुत आसानी से जो है बालों में कंघा हो जाते हैं, बहुत जल्दी सुलझ जाते हैं। तो इसी तरह करके आपको बालों में कंघा करना है, और इसके बाद आपको गीले गर्म पानी में टॉवल को भिगोकर अपने बालों में आप जो है स्टीम भी दे सकते हैं, पर मैं यहाँ पर स्टीम नहीं दूंगी परी को, मैं सिर्फ इस तरह कंघे से ही बालों को सुलझा लूँगी। और यही तरीका होता है बालों में ऑयलिंग करने का। तो कभी भी अपने बालों में ज़्यादा ऑयल ना डालें, उससे आपको नुकसान होगा ना कि फ़ायदा। तो हफ्ते में 2 बार ज़रूर ऑयलिंग करें और इसी तरह से कंघा करें। तो देखिए, यहाँ पर इसकी मसाज हो गई है पूरी, और देखिए माशाल्लाह जो परी के बाल है उनकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा है, और कितनी अच्छी ग्रोथ है, और कितने ज़्यादा लॉन्ग है इसके बाल। तो आपके बाल भी इंशाल्लाह ऐसे हो जाएंगे अगर आप इन टिप्स को अपनाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।